जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स के थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपसे ए और बी की वैल्यू पूछी जा रही है और इक्वेशन दिए गए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है। फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 है। इसको हम चाहें तो -7 करके इक्वल टू 0 कर सकते हैं और ये a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2 है। इसको भी हम बराबर के पहले ला करके चाहें तो इक्वल टू 0 कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। इस चैनल को आप मैक्सिमम स्टूडेंट से सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि रोज़ पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। और फर्स्ट पार्ट में आपसे ए और बी की वैल्यू पूछी जा रही है और जबकि यहां दिया हुआ है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज हैं। तो जब इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज होते हैं तो इन दिस केस a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 अपॉन c2 होता है। तो इक्वेशन 1 से हम a1 b1 c1 निकालेंगे, इक्वेशन 2 से a2 b2 c2 निकालेंगे। चलिए हम इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं। तो x को कोफिशियंट a1 हो जाएगा और देखें a1 इजकल टू 2, b1 इजकल टू y को कोफिशियंट b1 3 एंड कॉन्स्टेंट c1 इजकल टू -7। अब इक्वेशन 2 पे हम आते हैं तो ये a2 इजकल टू हो जाएगा a माइनस बी, b2 इजकल टू हो जाएगा a प्लस बी और c2 इजकल टू -3a प्लस बी -2। अब हमको इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करने के लिए देखें तो हमको जो है a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और दिया हुआ है कि हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। चलिए a1 अपॉन a2 करते हैं, 2 अपॉन a माइनस बी इजकल टू b1 अपॉन b2 करते हैं तो ये है 3 अपॉन a प्लस बी और फिर c1 अपॉन c2 करते हैं तो ये हो जाएगा -7 अपॉन -3a प्लस बी -2। चलिए सॉल्व, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। और देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि फर्स्ट और सेकंड एक साथ ले लेते हैं और सेकंड और थर्ड एक साथ ले लेते हैं और लेकर के सॉल्व करते हैं। चलिए हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट एक साथ लेते हैं तो ये है 2 अपॉन a माइनस बी इजकल टू 3 अपॉन a प्लस बी। हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b इजकल टू हो जाएगा 3a माइनस 3b। फिर हम इसको 3a को इधर लाते हैं तो 2a माइनस 3a और फिर ये 2b है, 2b और माइनस 3b को हम बराबर के पहले लाते हैं
तो प्लस थ्री भी इजकल टू ज़ीरो हो जाएगा। फिर देखिए टू बी माइनस थ्री ए माइनस ए हो गया और टू बी प्लस थ्री बी ये हो गया फाइव बी इजकल टू ज़ीरो। इसको थोड़ा सा और अगर हम सॉल्व कर लें या माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ए माइनस फाइव बी इजकल टू ज़ीरो। इसको हम चाहें तो अपने मन से इसमें प्लस ज़ीरो इजकल टू ज़ीरो भी कर देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू ज़ीरो के फॉर्म में हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर थ्री मान लेते हैं। तो अभी हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को लेकर के सॉल्व किया है, अब हम सेकंड और थर्ड पार्ट को लेकर के सॉल्व करेंगे। देखिए क्या मिलता है, ये है थ्री अपॉन ए प्लस बी इजकल टू सेवन अपॉन थ्री ए प्लस बी माइनस टू। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या मिलता है। ये हो जाएगा नाइन ए प्लस हो जाएगा थ्री बी और माइनस हो जाएगा सिक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर सेवन में करेंगे, ये हो जाएगा आपका सेवन ए प्लस सेवन बी। फिर देखिए हम ए को इधर लाते हैं तो 9a माइनस 7a और फिर ये देखिए ये है 3b और माइनस हो जाएगा 7b माइनस 6 इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। फिर देखिए 9a माइनस 7a हो गया 2a, 3b माइनस 7b ये हो जाएगा माइनस 4b, हाँ माइनस 4b और माइनस सिक्स इजकल टू ज़ीरो। हम चाहें तो इसको टू से डिवाइड भी कर सकते हैं, चलिए टू से डिवाइड कर देते हैं। तो टू से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा a माइनस टू बी माइनस थ्री इजकल टू ज़ीरो। इसको हम इक्वेशन नंबर फोर मान लेते हैं। हमको सॉल्व करके a और b की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम लोग इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर को सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही अप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ पर हम पहले ए बी और कांस्टेंट है तो यहाँ ए अपॉन करेंगे इजकल टू बी अपॉन करेंगे इजकल टू वन अपॉन कर देंगे। और फिर देखिए जब ए को लेंगे तो हम ए का डिनोमिनेटर जब लेंगे तो ए वाले को छोड़ देंगे और देखिए फिर क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। माइनस फाइव का माइनस थ्री में मल्टीप्लिकेशन होगा और माइनस करके माइनस टू का ज़ीरो में मल्टीप्लिकेशन होगा। ये है माइनस टू इंटू ज़ीरो और या तो माइनस टू को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब इसके बाद हम बी वाले पे आते हैं तो ये बीच वाला है और बीच वाले की क्रिया में उल्टी क्रिया होती है। तो फिर देखिए क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, बीच वाले टर्म को छोड़ देंगे। अब ए का कोफिशियंट वन है, वन का ज़ीरो में मल्टीप्लाई करेंगे वन इंटू ज़ीरो और माइनस यहाँ ए का कोफिशियंट वन है और वन में माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हम कांस्टेंट पे आएंगे तो जब लास्ट वाले का प्रोसेस करते हैं तो लास्ट का प्रोसेस सीधा होता है। तो चलिए फिर अब इसको छोड़ देंगे, यहाँ ए का कोफिशियंट वन है, बी का कोफिशियंट माइनस टू है, वन इंटू माइनस टू हो गया और माइनस यहाँ ए का कोफिशियंट वन है, बी का कोफिशियंट माइनस फाइव है। अब हमको इसको सॉल्व कर देना है, यहाँ वन इंटू माइनस फाइव है। अब देखते हैं क्या मिलता है, तो ए अपॉन माइनस फिफ्टीन हो जाएगा और ये तो माइनस ज़ीरो हो जाएगा, ये हो गया बी अपॉन ये ज़ीरो और प्लस हो जाएगा थ्री और यहाँ है वन अपॉन माइनस टू और प्लस हो जाएगा यहाँ पर फाइव, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। फिर देखें ए अपॉन हो गया माइनस फिफ्टीन, बी अपॉन थ्री और वन अपॉन फाइव माइनस टू थ्री हो जाएगा। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने का मेथड बताया था कि फर्स्ट और थर्ड को लेकर के सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड और थर्ड को लेकर सॉल्व करते हैं। तो चलिए फर्स्ट और थर्ड को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये है a अपॉन माइनस फिफ्टीन इजकल टू वन अपॉन थ्री, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए a इजकल टू माइनस फिफ्टीन अपॉन थ्री, थ्री से इसको कट कर दीजिए ये हो जाएगा फाइव, a की वैल्यू मिल गई माइनस फाइव। इसके बाद हम सेकंड और थर्ड पार्ट लेंगे तो ये है b अपॉन थ्री इजकल टू वन अपॉन थ्री, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए ये हो जाएगा थ्री अपॉन थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा b इजकल टू वन। तो यहाँ पर आंसर मिला
हम लास्ट में आंसर लिख देते हैं a इज इक्वल टू माइनस फाइव एंड b इज इक्वल टू वन। तो क्वेश्चन नंबर टू के फर्स्ट पार्ट में हमसे यही कहा जा रहा था कि a और b की वैल्यू फाइंड कीजिए। हम लोग a और b की वैल्यू फाइंड कर लिए। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर टू का सेकेंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू के सेकेंड पार्ट में दिया है फॉर विच वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल होते हैं। और जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल होते हैं तो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 होता है। देखिए a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 होता है। अब हम a1, b1, c1, a2, b2, c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये 1 है, 1 को हम बराबर के पहले ला दें, is equal to 0 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और ये देखिए ये 2k+1 है, 2k+1 को बराबर के पहले लाएंगे, -2k+1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखते हैं तो इक्वेशन 1 में a1 की जो वैल्यू है x का कोफिशियंट 3 हो जाएगा और फिर b1 की वैल्यू हो जाएगी 1, y का कोफिशियंट b1 हो जाएगा और c1 कांस्टेंट -1 हो जाएगा। अब हम इक्वेशन 2 पे आते हैं तो इक्वेशन 2 पे a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2k-1, b2 इज इक्वल टू हो जाएगा k-1 और c2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2k+1। अब हम फार्मूले पे अप्लाई कर देंगे बिकॉज इट हैव नो एनी सॉल्यूशन। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 रखते हैं। 3 अपॉन 2k-1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k-1 इज नॉट इक्वल टू -1 अपॉन -2k+1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल से हमें कोई मतलब तो है नहीं, इसलिए हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हो गया 3 अपॉन 2k-1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k-1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये हो जाएगा 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1 हो गया। अब 2k को हम इधर लाते हैं तो 3k-2k इज इक्वल टू -3 को अपोजिट साइड में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3-1। तो 3k-2k k हो जाएगा और 3-1 2 हो जाएगा। k की वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी, k की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया और k इज इक्वल टू हमें 2 मिला। हमें उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आप कब सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।